हरदोई में 24 दिन के बच्चे पर कलयुगी माँ के अत्याचार का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी दहल जाएंगे। अपनी कोख से जन्म देने वाली माँ ने अपने ही बच्चे को शैतान का साया बताकर उसकी उंगली काट दी, कान छेद दिया और पैर को भी जला दिया। माँ की क्रूरता का शिकार हुआ मासूम अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, जिसके बाद बच्चे के ताऊ ने बच्चे को गोद ले लिया और महिला के पति ने महिला और उसके भाई के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। वहीं डॉक्टर का कहना है कि बच्चे को लीवर की बीमारी है और वो कुपोषण का शिकार है। दिन पहले पैदा हुआ है, इसके 5 दिन के बाद में इसके पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ी है, तो प्रॉब्लम बढ़ने से इसका हमने इलाज किया है, इधर उधर दिखाया, शाहजहानपुर में अपने यहाँ दिखाया, अपने यहाँ MBBS डॉक्टर को दिखाया है, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो इसकी माँ बोल रही है इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, इस बच्चे को हम नहीं पालेंगे। किसी ने पास पड़ोस की औरतों ने इसे बताया कि इसका एक उंगली काट दो, तो उसने उंगली काट दी। किसी ने बताया पैर जला दो, तो उसने पैर जला दिया। किसी ने कहा कि इसका कान छेद दो, तो उसने कान छेद दिया इसका। उसके बावजूद भी उसका बस नहीं चला, उससे ठीक नहीं हुआ, तब वो कह रही है इसको ले जाओ फेंक दो जाके या किसी को दे दो, ये इसे जिंदा दफन कर दो जाके। लेकिन ये मेरा भतीजा है, हम इसे किसी हाल में जब तक इसका सांसें चलेंगी इसका ट्रीटमेंट हम करते रहेंगे। हमने इसे गोदनामा भर के तो अपने यहाँ थाने से FIR भी लिखाई है, गोदनामा भराया है, हमने इसको गोद ले लिया है, जब तक इसकी सांसें चलेंगी इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे। आज एडमिट हुआ है सुबह, 20 या 22 दिन का बच्चा बता रहे हैं प्रेगनेंट के हिसाब से, और इसको लीवर की बीमारी है। अकॉर्डिंग टू अटेंडेंट ये बता रहे हैं 4th दिन इसका पेट फूलना चालू हो गया, तो ये एक प्रकार से कंजनाइटल डिजीज होती है लीवर की, इसको कहते हैं एसआईटिस। तो और ये बच्चा सीरियस है क्योंकि एसआईटिस में सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है न्यूनेट को, और इसकी माँ ने इसको अब नॉर्मेलिटी समझ के इसको कुछ झाड़ फूँक के चक्कर में इसको कुछ जला वला भी दिया है बता रहे हैं। तो मेरे पास एडमिट है, हालत इसकी सीरियस है, मैं इसको लखनऊ सर्जिकल ओपिनियन के लिए मेडिकल कॉलेज भेज रहा हूँ। जानकारी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी माँ और भाई की तलाश शुरू कर दी है। इस संबंध में जो महिला है उसने इस इम्प्रेशन में कि इस बच्चे का जन्म जो है शैतान के रूप में हुआ है, अपने ही बच्चे का अंग भंग किया गया है, और इस संबंध में शिकायत उसके पति द्वारा की गई है। पति की शिकायत पर महिला और उसके भाई के विरुद्ध जो है थाना शाहबाद में अभियोग पंजीकृत किया गया है, धारा 326 और 504 IPC का। इस संबंध में जी उसकी उंगली काटी गई है और कान भी। बता दें कि 24 दिन का बच्चा पैदा होने के 3 दिन बाद से ही बीमार पड़ गया था। गांव के कुछ लोगों ने बच्चे पर शैतान का साया होने की बात कही थी, जिसको उसकी मां ने सच समझकर इस क्रूरता को अंजाम दिया। पंजाब केसरी TV के लिए हरदोई से आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट।